Hello, my dear Vachapati. Once again, welcome back to my class, Udistar Physics. So far, we have already discussed about what is significant figures and what are the rules, trick. Okay, digest, observe, practice. Okay, so I hope all are present here and hope you all are doing good. Okay, so aaj हम चर्चा करेंगे टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट आवर दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट मेजरमेंट्स. हम आज चर्चा करेंगे राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड एमडी दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके सो मैं शॉर्टकट में लिख दिया. ओके सो स्टूडेंट्स ठीक है तो देखो मैं जो प्रीवियस क्लास में ठीक है तो बहुत सारा ट्रिक्स दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स कैसे दिया था जीरो के ठीक है जीरो को लेकर हम गेम खेले थे नहीं तो ठीक है तो आज मैं सिखाने वाला हूं हाउ टू डू ए राउंडिंग ऑफ ऑफ द गिवन नंबर अप टू द डिजिट डिजिट दैट इज 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट. अरे ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत खास है जेई नेट मेनली तो नीड वाले के लिए नीड के लिए बहुत खास स्पेशल है. फ्री का मार्क्स ये देकर जाता है ठीक है आई एम टेलिंग यू फ्री ऑफ और फ्री का मार्क्स ठीक है और ये फ्री का मार्क्स के लिए आपको करना है कि यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके सो दिस इज द की पॉइंट्स. ओके राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिविजन. सो स्टूडेंट्स आज का क्लास शुरू करता हूं. ओके सो लेट्स बिगिन द क्लास. ओके तो जहां मैं आपको जितना देखो ये बहुत सारा ट्रिक्स में यहाँ पे लिख दिया हूं ठीक है क्योंकि यहाँ पे आराम से जल्दी से टाइम हो जाएगा ठीक है. ओके सो राउंडिंग ऑफ ट्रिक एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. सो सिग्निफिकेंट फिगर तो हम पढ़ चुके हैं ट्रिक्स बहुत सारा हम डाइजेस्ट किए हैं. ओके सो माय डियर बच्चे वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके सो और जो ट्रिक्स को यार रखो कहां पे दिमाग जितना भी मैं ट्रिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर का दिमाग में रखो और अभी जो ट्रिक्स में बताऊंगा वो भी दिमाग में रखो. ओके सो देखो समझो ये एक्चुअली जो फर्स्ट वाली और जो फर्स्ट जो पहले वीडियो प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखे फास्ट वो समझो जाओ देन ये जाओ. ओके सो बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे इफ यू लर्निंग समथिंग न्यू ना तो उससे पहले आपको दिमाग में चलना चाहिए कि या पहले वाला हमें याद है या नहीं सीक्वेंस सीरीज में जाओ. ओके तो एनर्जी फील होगा. ओके सो मैंने पहला वाला वीडियो में सिखाया आपको कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर पाएंगे करेंगे कर लिए भी हम आज हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट. तो राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है फर्स्ट देखो तो राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है जैसे कि आप फिजिक्स लैब में ठीक है आप फिजिक्स लैब में वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं कोई स्लैब का. ओके और पॉइंट के बाद वो बहुत ज्यादा मीन्स अजीब तरफ से आंसर आ रहे हैं ठीक अजीब तरफ से जैसे कि 6.75757342 ओके तो मतलब पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट आ रहे हैं तो हम उसको परफेक्टली एक्यूरेसी कैसे दें परफेक्टली एक्यूरेसी कैसे दें मतलब हम चाहते हैं कि अप टू थ्री डिजिट तक हमारा आंसर हो अप टू थ्री डिजिट तक हमारा आंसर हो हम चाहते हैं कि अप टू थ्री डिजिट और अप टू फोर डिजिट तक हमारा आंसर हो तो क्या रूल्स है तो वो रूल हम आज यहां पे सीखेंगे ठीक है राइट. देखो मैंने यहां पे लिखा है ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ तो ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ में क्या है ट्रिक क्या है तो पांच रूल आपको जानना है ठीक है. अगर आपको थ्री डिजिट तक ही अपने आंसर देना है तो सबसे पहले ये चेक करो कि थ्री डिजिट के बाद वाला डिजिट हो ठीक है फिर से ध्यान से थ्री डिजिट के बाद वाला डिजिट. ओके थ्री डिजिट के बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है ठीक है अगर 5 से बड़ा है विच ग्रेटर देन 5 ठीक है देखो
ओके फर्स्ट टू, सॉरी सॉरी फर्स्ट टू, अगर जो डिजिट थ्री डिजिट के बाद वाला डिजिट अगर फाइव से छोटा है, ठीक है, यहां भी लिखो, मैं लिख दिया है फाइव से छोटा है, तो फर्स्ट टू जो डिजिट हमको जितना भी राउंडिंग ऑफ डिजिट करना है, ठीक है, अप टू थ्री डिजिट और फोर डिजिट, तो वो क्या है, अगर से फाइव से छोटा है और लेस है तो क्या होगा उसका रूल, देखो एज इट इज रखना है, क्या है फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल एज इट रखना है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया है 21.3, वहां पे क्या अप टू थ्री डिजिट हमको करना है, हमको आंसर मिल रहा है, हमको आंसर चाहिए, टन टन अप टू थ्री डिजिट हम ले चुके, ठीक है, वहां पे ले लिया हम 21.3, ये तो हो गया, देखो देन जो डिजिट जितना डिजिट तक करना है उसका बाद डिजिट देखना है, उसके बाद वाला डिजिट देखना है, तो वो बाद वाला डिजिट क्या है, टू है, क्या है टू है, तो टू डिजिट क्या है, ये तो फाइव से छोटा है, तो हमको रूल क्या रखना है, एज इट इज रखना है, ठीक है, फर्स्ट रूल याद रखो, फर्स्ट रूल एज इट रखना मीन्स 21.3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है 21.3। देखिए तो जैसे देखो प्रीसीडिंग डिजिट का पे, देखो ये जो अप टू, जो अप टू में ये वाला ना, ठीक है, अप टू हमको थ्री डिजिट तक करना, मैं लिख दिया है वहां पे अप टू थ्री डिजिट, तो ये जो डिजिट जितना तक डिजिट है उसका बाद वाला डिजिट तो हमको देखना है, तो क्या है टू है ये, और टू क्या है फाइव से छोटा है, तो हम क्या करना है, एज इट इज रखना, ठीक है, एज इट इज मीन्स अप टू जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो डिजिट है उसके बाद जो, उसका बाद जो प्रीसीडिंग डिजिट है अब तो यहां तक ही हमको रखना है, अब टू सो पिछले डिजिट को एज डिजिट रखना है, 21.3 हो गया, तो यहां तक आ गया हम, ये तो आंसर चाहिए हमको थ्री डिजिट तक, तो मैंने क्या किया, एक डिजिट के बाद वाला डिजिट देखा है तो वहां पे क्या है टू लिखा है, व्हिच इज लेस देन द फाइव, तो हमने क्या लिखा है एज इट इज, ओके, देन हम जाएंगे सेकेंड रूल, देखो तो ये देखो 21.3 सुबह बड़ा वाला दिया है एक और एक 143.3 क्या है 143.4 दिया है हमको थ्री डिजिट तक 143.4 और 143.4 सपोज और एक फोर ले जाओ ठीक है अब तो हमको ये तो थ्री डिजिट हो गया अब तो हमको फोर डिजिट तक राउंडिंग अप करना है ठीक है तो ये देखो उसके बाद डिजिट देखेंगे हम बाद डिजिट क्या है फोर है और फोर है विच इज लेस देन द फाइव फोर क्या है छोटा है फाइव फाइव से छोटा है तो एज इट इज रखना है क्या था उसका प्रीसीडिंग डिजिट था तो क्या हो जाएगा 143.4 उसका हमारा आंसर आ गया ठीक है तो हमसे थ्री डिजिट फोर डिजिट तक करना है फास्ट हो गया देन नाउ लेट अस सी अगेन आई हैव टू राउंड अप दिस गिवन नंबर अप टू थ्री डिजिट ठीक है तो ये देखो जो और एक में यहां पे लिखा है ये नंबर को हम थ्री डिजिट तक करना है देखो अप टू टेन टन थ्री डिजिट हो गया क्या है 21.6 उसका बाद वाला डिजिट हम देखेंगे तो बाद वाला डिजिट क्या है सेवन सेवन क्या है पांच से छोटा या बड़ा है पांच से तो हमको यहां पे रूल ऐड करना है और एक प्लस कर देना है या एक को प्लस कर देना है तो फाइनल आंसर जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसका उसके में वहां प्लस ऐड कर देंगे तो 21.7 आ जाएगा दिस इज योर फाइनल आंसर ओके तो ऐसे अप टू सपोज यहां पे देखो ऐसे 21.7 हो गया ये प्रीसीड डिजिट में हमको ऐड करना है तो सेकंड रूल हो गया फर्स्ट रूल जब ये छोटा है पांच से तो एज इट इज रखना बड़ा है तो एड वन करना है ठीक है फर्स्ट रूल सेकंड रूल हो गया पहला आंसर ओके सपोज ऐसे हमको दे दिया है 2 4 3 5 7 जैसे ये नंबर दे दिया है 2 4 3 5 7 अप टू फोर डिजिट राउंड अप करो ठीक है अप टू फोर डिजिट आएगा तो देखो टेन टेन पहले ठीक है वहां पे फोर डिजिट तक उसके बाद डिजिट क्या है सेवन सेवन क्या है पांच से बड़ा है तो क्या करना है हमको ऐड करना है ये रूल हमको अप्लाई करना है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम ऐड कर देंगे तो 2 4 3 6 इज आवर फाइनल आंसर तो इसे हम ऐड करेंगे तो फास्ट और सेकंड हो गया तो ये तो बात हो गया बेटा ठीक है बच्चे तो फाइव से छोटा है और फाइव से बड़ा है अगर आप सभी लोग पूछेंगे सर सो नंबर इज फाइव द नंबर इज फाइव देखो ठीक है तो एक बात रह गया अगर नंबर इज फाइव है तो क्या करें हम आप सभी लोग मुझे पूछे इफ द नंबर इज फाइव सो व्हाट यू टू
व्हाट यू हैव टू डू टू इंक्वायरी अबाउट दैट. अभी हम देखेंगे जे नंबर इज 5, नंबर इज 5, नंबर सपोज 5 हो गया तो हमको क्या करना है, अभी हम देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, सपोज देखो ये तो क्या हो गया, इवन और तो हमें नंबर को सेट करना है जिसे नंबर 5 है, अब तो 3 डिजिट सेट करना है सपोज, देन यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रीसीडिंग डिजिट, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रीसीडिंग डिजिट. ठीक है, ये हमको जो नंबर, ये देखो एक एग्जांपल लिख दिया. ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है, ये इवन और ऑड है, पता है इवन क्या है, ऑड है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, तो अगर वो इवन है प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, तो एज इट इज रखना है. ठीक है, अगर ये नंबर जो नंबर 5 हो गया, ये देखो यहां पे लिख दिया है, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट को हमको देखना है, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन और ऑड है हमको देखना है. ठीक है, सपोज इवन है तो एज इट इज रखना है, उसका रूल क्या है, एज इट इज रखना है. ठीक है, सपोज और वो नंबर ऑड है तो क्या करना है, एड 1 करना है, क्या करना है, एड 1 करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 42.45. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अप टू 3 जी तो हमें लिखा है, किसे फर्स्ट अप टू 3 डिजिट्स. ठीक है, तो हो गया, तो वहां पे डिजिट का हो गया, देखो ये तो 5 नंबर है वहां पे, उसके बाद तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट को हमको देखना है, तो वहां पे देखो 5 के जो पहले है प्रीसीडिंग डिजिट, ये क्या है, इवन और ऑड है, क्या है, इवन और ऑड, तो ये जो 4 है ये इवन है. ठीक है, तो इवन हो गया तो हमको क्या करना है, एज इट इज रखना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 42.4. बस काम खत्म, तो इवन और ऑड को देखना है. ठीक है, तो मेरा आंसर, मुझे कुछ करना नहीं है वहां पे, जो पहला वाला है उसको हमको एज इट इज रखना है. सपोज यहां पे देखो, यहां पे देखो नंबर ये 3 क्या है, ऑड है, माय आंसर वही भी क्या होगा, कुछ करना नहीं है, क्या करना है, एड 1 करना है, उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट, या तो पहले वहां पे चला जाएगा, ये 5 है उसका प्रीसीडिंग डिजिट कितना क्या है, ऑड है, तो क्या करना है, एड करना है प्रीसीडिंग, तो 42.4 दिस इज माय आंसर, तो कुछ करना ही नहीं, दैट्स इट तो इन सारा के अलावा बच्चा पढ़ेंगे, ये तो डेसिमल में हो गया. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट्स को, ठीक है, मान लो कि अगर ऐसा लिखा है, सपोज ऐसे लिखा है 8 to 8 4001 4001, ऐसे लिखा है नंबर. ठीक है, ऐसे लिखा है, तो अब बोलो, और अब बोला जाए इसको कि अप टू 3 डिजिट राउंड अप करना है. ठीक है, राउंड अप करना है 3 डिजिट तक, तो क्या ये नंबर, मैं आपको क्वेश्चन पूछा चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्यों ये नंबर में डेसिमल है क्या, क्यों मैं नंबर में डेसिमल है क्या, मैं यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता हूं, ये नंबर में डेसिमल है क्या, तो इसमें अलग रूल लगेगा, लेट्स सी कैसे करना है. ठीक है, तो मुझे 3 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है, क्या है 3 डिजिट, देखो 8 to 8 हो गया, टन टन अप टू कितना है 3 डिजिट तक, तो उसके बाद में क्या है 4, क्या है 4, तो व्हिच इज द लेस देन 5, 5 से क्या है छोटा है. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, रूल का, और ये रूल का पापा ने मुझे कहा था कुछ भी नहीं करना है, उसका आंसर क्या होगा 8 to 8. ठीक है, क्या करना है, ये क्या है छोटा है, नंबर 4 क्या है, एज इट इज रखना है, तो 8 to 8 जितना नंबर है ये 4 0 लिखना है, ये मेरा आंसर. ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर डेसिमल नहीं है तो अप टू थ्री डिजिट में आंसर आएगा। अगर ये वाला डिजिट देखो, ये वाला डिजिट फोर वाला डिजिट सपोज सिक्स हो, ये जो 8 to 8 ये वाला सपोज सिक्स हो, ठीक है, तो क्या करना है, ये वाला हो गया क्या 5 से बड़ा हो गया, तो हमको एड रूल एड करना है, एड 1 करना है, तो क्या हो जाएगा, जिस डेटा तक मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये देखो 8 to 8 6 00 क्या हो जाएगा 8 to 8 6 00, ठीक है। तो थोड़ा सोचो क्या हो जाएगा, ये 6 है 8 to 8 6 00, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब क्या करते हैं, ये ए जो ये वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 to 9, ठीक है। तो देखो ऐसे 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 2 4 8 3 3 7, ठीक है, 2 4 8 3 3 7, हमको ये भी हमको डिजिट अप टू 3 डिजिट तक करना है। तो देखो ये 3 क्या है, क्या है 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 2 4 8 3 5, उसके बाद जो आएगा 3 0 हमको ऐड करना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सिंपल बात है, तो आ गया हमारा 4 रूल्स हो गया यहां पे। क्या है रूल्स, क्या है देखो, एज इट इज एड 1, ठीक है, छोटा है बड़ा है, इवन है नंबर और है 5 की जो पहले डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, तो ये तो हमारा 4 रूल्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो ये विदाउट डेसिमल में आपको 0 प्लेस करना है, ठीक है, विदाउट डेसिमल में आपको 0 प्लेस करना है और विद डेसिमल में 0 प्लेस नहीं करना है, आपको सिर्फ रूल्स अप्लाई करना है, ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस, ओके। तो आराम से, ठीक है, देन विल गो फॉर, वी कैन गो फॉर द, अभी देखते हैं हम आगे है ट्रिक फॉर एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जोड़ और घटाओ, गुणा और भाग है, बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 रूल्स लगाना है, व्हेन यू आर डूइंग ए प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन, तो ध्यान से सुनना, ओके। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी नंबर में है, ठीक है, कौन सी नंबर में है, उसी के बेसिस में हमें हमारा आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है, देखो तो बोल 2.3 2.3 2.34 2.34, मान लो सपोज 4, और तीनों, तो यहां पे हमको देखना है कौन सा नंबर में सिग्निफिकेंट कम है, मुझे तीनों को प्लस करना है, मुझे तीनों को सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, मुझे प्लस करना है, ठीक है। तो देखो प्लस कर लेंगे हम, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स ये कहता है कि इनमें से देखो ये 2.3 या 2.2 जो भी, ठीक है, इनमें से जो 2.3 है ये, इनमें से कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 2, इसमें ऑनली आंसर क्या आएगा जी, ये डेसिमल के बाद कितना है सिग्निफिकेंट 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं, डेसिमल के बाद क्या है कितना ऑनली 1, यहां पर डेसिमल के बाद 2 है, यहां पर डेसिमल के बाद 3, तो इनमें से कौन सा लिस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद, आपको प्लस करना है, आंसर आ गया अभी, ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल में ये 1 है, ना वो 2 है, ये 3, ठीक है, तो आपका प्लस करने के आंसर आए, ठीक है, तो उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट का है आपको आंसर देना है, ठीक है, तो आपको हमको आंसर देना है 1 डिजिट का, कहीं आपको आंसर देना है, दैट इज द एग्जांपल डोंट वरी, ओके। तो ये देखेंगे, तो ये 23.4 2.3, ठीक है, तो आगे तो हमें देखो 2.3 नंबर सिग्निफिकेंट, तो ऐसे तो हमको आंसर देना है, दैट इज द एग्जांपल, डोंट वरी हम अभी देखेंगे। तो ये जो ऐड करेंगे इस सबसेक्शन में, यहां पे मैं लिख दिया हूं a इक्वल टू 21.45, b इक्वल टू 0.45, यू कैन ऐड दैट इज a प्लस b, तो क्या हो जाएगा ये 21.85, ठीक है। तो ये दोनों चीज को देखो 21.45 एंड 0.4, ठीक है, तो इनमें से देखो
21 और 4 ये डेसिमल के बाद कितना है डिजिट टू डिजिट ठीक है और ये 0.4 ये डेसिमल के बाद वन डिजिट है उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा नंबर कम सिग्निफिकेंट है ये 0.4 का है ठीक है तो वन डिजिट है आफ्टर डेसिमल तो मेरा आंसर भी एक के फॉर्म में ही होना चाहिए आफ्टर डेसिमल तो मेरा आंसर 21.85 आ गया ऐड कर देंगे तो अब मुझे ये करना है तो अब मुझे ये यहां पे ठीक है तो देखो ये 21.85 आ गया देखो समझो 21.85 तो ये यहां पे है कि मेरा आंसर लेना है अब तो क्या है जो 1 डिजिट तक ये तो क्या आपके पास 1 डेसिमल है तो आंसर लेना क्या इसको देखना है कि और देखना पड़ेगा ये जो 5 नंबर डेसिमल के बाद हमको ये लिस्ट नंबर क्या वो अनसिग्निफिकेंट वन है तो डेसिमल के बाद क्या है 8 है उसके बाद में क्या है 5 हमको रूल्स को अप्लाई करना है ठीक है ये जो 5 का नंबर यहां पे रूल्स नंबर 8 5 तो उसके बाद पहला डिजिट 8 है ठीक है उसके पहला डिजिट क्या है इवन है ये 8 क्या है इवन है तो इवन में क्या करना है एज इट इज तो द फाइनल आंसर 21.8 ठीक है चमका ये एडिशन में हो गया ये तो ये हमको डिजिट देखना होगा और वन डिजिट का हमको आंसर चाहिए तो 21.8 तो हम सबसेक्शन देखेंगे ए माइनस बी करना तो ये पे आंसर आया ये में सबसेक्शन कर दिया 27.1235 ठीक है अब देखो दोनों में ए और बी में डेसिमल के बाद किसके पास कम डिजिट है ये देखो 0.01 पॉइंट के बाद 3 ये वाला है ठीक है तो क्या करना है डेसिमल के बाद कितना है 3 है तो मुझे यह करना है भी 1 2 3 यस 27.1 हो गया तो ये तो देखो 27.1 1 2 3 ठीक है तो ये देखो ये 27.1235 ठीक है तो मुझे यहां पर भी 1 2 3 मींस कितना होगा कितना होगा और फिर जैसे मैंने इसको देखा ये क्या है 12 तो 27.1235 तो यहां पे देखो जो मैं लिखा था हां ठीक है तो ठीक है देखो यहां पे देखो जो 27.1235 ये पॉइंट के बाद 3 है तो 27.1235 ये सब्सट्रैक्शन हो ठीक है तो यहां पे देखो जब ये हम देखेंगे जो ये ठीक है 1 2 3 देखो तो यहां पे कितना है 3 डिजिट का तो पॉइंट के बाद 1 2 3 ठीक है उसका आंसर कितना आएगा देखो ये 5 है ठीक है उसके बाद क्या है ये डिजिट का क्या करना है ऐड करना है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 27.124 क्योंकि 3 आर है ये 5 है वो देखना है ठीक है तो ऐसे एडिशन और सबट्रैक्शन तो इसका जितना भी क्वेश्चन जहां पे भी मिले ठीक है जहां पे भी मिले उससे चार जाना मतलब खत्म करके जाना 8 लगाते जाना ओके जैसे एडिशन सबट्रैक्शन ये वाला हो गया और ये एडिशन और सबट्रैक्शन ठीक है देन अभी हम नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे नेक्स्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इसमें ऐसा है आपको सिर्फ डेसिमल के बाद नहीं देखना है ठीक है इसमें आपको पूरा एंटायर नंबर को ऑब्जर्व करना है ठीक है एंटायर नंबर को ऑब्जर्व करना है और एंटायर नंबर में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ होगा आपका जो पूरा आंसर है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उससे बेसिस पर आपको आंसर देना है उसी बेसिस पर आपको आंसर देना है आर यू गेटिंग माय पॉइंट ये सर लो यस सर अब आप लोग अगर देखें तो बोलेंगे ही यस सर जब आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो पूरे नंबर को देखो और जब एडिशन एंड सबट्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ डेसिमल के बाद देखो ये याद रखो ठीक है दोनों में सबसे कम ही देखना है बट छोटे कम ही देखना है छोटे और कम ही देखना है चाहे वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो चाहे हो एडिशन सबट्रैक्शन हो ठीक है लेकिन एडिशन और सबट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सबसे कम
मिला के जो हिसाब से आंसर देना है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में पूरे नंबर में सबसे कम के हिसाब से हमें आंसर देना है ठीक है फॉर एग्जांपल ओके तो फॉर एग्जांपल देखो यहां पे ट्रिक पर यहां पे मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन का उठाया हूं अदर द एंटर नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है आपका जो एनसीईआरटी है वहां पे एनसीईआरटी का वर्ड है देखो साइड ऑफ क्यूब ठीक है साइड ऑफ क्यूब तो साइड ऑफ क्यूब देखो साइड ऑफ क्यूब सपोज दे दिया है 7.023 क्या है 7.023 तो देखो हमको क्या करना है मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया यहां पे मैंने लिख दिया है TSA मींस टोटल सरफेस तो क्या करना है मुझे 6 इनटू साइड ऑफ द क्यूब दे दिया है का स्क्वायर कर लो ठीक है तो ये जो टोटल सरफेस का वैल्यू इतना आएगा 311.29925 ठीक है कैलकुलेट करो कैलकुलेट लेकर ठीक है कैलकुलेट करने के बाद क्या आया 311.2 मीटर तो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट से तो अब देखिए जो ये 7.023 पूरा क्या है 7.02 तो पूरा देखो देखो मल्टीप्लिकेशन में दो बार मल्टीप्लिकेशन हुआ 7.203 × 7.203 दो बार मल्टीप्लिकेशन तो ये जो स्क्वायर है ना वो दोनों में सबसे कम किसके पास है एक ही तो पर 7.023 क्योंकि एक ही नंबर है ठीक है अब अगर 7.203 यानी ये 7.203 तो देखो ये 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 ओके तो देखो ये जो 6 × 7.203 तो 7.203 × 7.203 तो ये दोनों में तो सिग्निफिकेंट एक ही सेम है ना ठीक है क्योंकि जो अगर हम देखेंगे सबसे कम किसके पास तो 7.203 क्या है 7 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है तो वहां पे देखो तो मुझे अपना आंसर भी यहां से स्टार्ट करना है कहां से स्टार्ट करना है यहां से पूरा पहले से टोटल नंबर को देखना है कहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो यहां पे मैं स्टार्ट तो ये अप टू 1 2 3 4 तो 3 1 1 2 1 2 ठीक है तो उसके बाद पहला डिजिट हमको रूट को अप्लाई करना है तो 9 है 5 से क्या है बड़ा है तो क्या करना है हमको जो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करना है ऐड कर देना है 1 ठीक है तो क्या आ जाएगा ये 311.3 मीटर्स आ गया टोटल सरफेस एरिया तो ऐसे भी दैट्स तो सेम फॉर वॉल्यूम भी होगा तो यहां पे क्या है वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 7.023 × 7.023 × 7.023 ठीक है तो यहां पे तो सबसे नंबर में क्या है यहां पे भी क्या है एक ही क्योंकि ये हमारा जो सम सिग्निफिकेंट देखेंगे तो एक ही है ना यहां पे तो ये रूल्स भी अप्लाई कर देना तो कैसे उसको हम मल्टीप्लाई ये जो क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 373.71475 ठीक है तो हमको ये भी देखना है ये ठीक है तो हमको क्या 1 2 3 4 यहां पे 1 2 3 4 तो सेम पर बोलूंगा तो 373.7 तो उसके बाद हम डिजिट देखेंगे 1 है ये क्या है 5 से छोटा है तो क्या करना है एज इट इज रखना है तो क्या हो जाएगा 373.7 मीटर तो ऐसे हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ठीक है तो सब ये देखो क्या ये देखो जो था 3 वॉल्यूम का 373.71475 ठीक है तो देखो ये 1 2 3 4 तो हमको फास्ट से ये पूरा स्टार्टअप करना है स्टार्टअप तो 373.7 उसके बाद क्या है 1 और 1 क्या है छोटा है तो क्या करना है हमको मुख्य करना है वहां पे जब ये अप्लाई करेंगे क्या आएगा तो ये नंबर जो पिछले डिजिट को क्या करना है एज इट इज रखना है तो क्या आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब ठीक है वो तो आंसर है दैट इज माय फाइनल आंसर ओके तो यही चीज यही रूल्स को अप्लाई करना है डिवीजन में भी ठीक है एग्जांपल्स में यहां पे नहीं लिखा हूं ठीक है सेम भी होगा तो जितना भी क्वेश्चंस मिले सॉल्व कर लेना चार जना आग लेना ठीक है आग जैसे लेकर पूरा सॉल्व कर लेना जहां पे भी जितना भी क्वेश्चन मिले ओके तो ट्रिक हो गया देखो फर्स्ट ये क्या है उसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है जितना अप टू 3 डिजिट तो क्वेश्चन आएगा कैसे एक नंबर दे देगा राउंडिंग अप टू 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ठीक है तो सब हमको उसको अप्लाई करना है ठीक है तो देखो मॉडल भी कर लेते हम लोग मैं उसका नोट्स भी दे दूंगा ठीक है तो देखो ये जो फर्स्ट रूल्स तो क्या करना ये देखो ये छोटा है 5 से तो एज इट रखना है बड़ा है तो उसका पिछली डिजिट एड 1 करना है
देन नंबर 5 है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है इवन है तो ये एज इट इज रखना है ठीक है ऑड है तो ये ऐड करना है तो ये चारों रूल्स हम अप्लाई करेंगे ठीक है बच्चों ओके तो ठीक है आज का क्लास यहां पे समाप्त करता हूं नेक्स्ट वी विल सी द एक्यूरेसी प्रिसीजन देन एरर इन मेजरमेंट्स ओके बच्चों ठीक है आज का क्लास इतना है दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास ओके सो ओके क्लास को समाप्त करता हूं ठीक है तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ओके सी स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ओके स्टे सेफ यू ऑल थैंक यू